आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से उसके जिंदा कलाम की सेवा के लिए, उसके जिंदा कलाम की परस्तिश के लिए आप सबके बीच में आने का मौका दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि ऐसे हालातों में भी और ऐसे दिनों में भी आप तक पहुँचने का एक माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम आपके घरों तक, आपके जो है आपके जो है घर पे, आपके जो हम इस कलाम हम लेकर के आ पा रहे हैं। परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं मेरे जीजों की, परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है। और आज जबकि हम मॉन्डी थर्सडे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरा ये ईमान है, मेरा ये परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबों को जैसे उसने आज तक सुरक्षित रखा है, आइंदा भी सुरक्षित रखेगा और आज के वचन के जरिए आप सबसे बातचीत करेगा, ताकि हमारी रूह को, हमारी आत्मा को एक नया नरिशमेंट और एक नई ताजगी मिल सके। कलाम में जाने से पहले आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। धन्यवाद हमारे जीवित आसमानी पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपके शुक्रगुजार है खुदावंदा कि आपने आज का ये सुंदर अवसर दिया कि मेरे बाप आसमानी आपके लोगों तक आपके वचन को पहुंचा सके। पिता आपसे विनती करता हूं मेरे बाप आसमानी, जो भी व्यक्ति इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, उसका जहन पिता परमेश्वर जी, उसका मन मेरे बाप आसमानी, वो अच्छी भूमि में तब्दील हो जाए पिता परमेश्वर जी, जिसमें जब वचन रूपी बीज गिरे तो 60 गुना 100 गुना फल फुलाए पिता। खुदावंदा ये जिंदा कलाम जो आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर जी, आपके लोगों से पिता परमेश्वर जी सीधे तौर से और सीधी रीति से बात करें पिता। आपसे विनती है मेरे बाप आसमानी, अपने दास को अपने हाथों में लेना पिता, बोलने वाला आपका आत्मा हो पिता परमेश्वर, आपका दास केवल एक जरिया बने मेरे बाप। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह, और इस विनती को आपके नाम में मांगता हूं, प्रार्थना को सुनने स्वीकार करें, आमीन। आज के मनन के लिए जो कलाम में से हिस्सा चुना गया है वो पाया जाता है यूहन्ना नबी की किताब, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 से 17 पद तक, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन chapter 13 verses beginning from 1 to 17। परमेश्वर का कलाम कहता है अजीजों, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यह मसीह की पवित्र इंजील है, आए मसीह तेरा जलाल हो। अजीजो यहां पर हमने देखा है किस प्रकार से खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, किस प्रकार का जो है उनके साथ उन्होंने एक नई जो है तरीके से उनके साथ वो पेश आए
और उनके पांवों को उन्होंने धोया और हम्बलनेस का एक नया जो है उनको एक चैप्टर उनके सामने रखा और उनको समझाया कि यदि मैं प्रभु होकर तुम्हारा गुरु होकर कि यदि मैं इस प्रकार से करता हूं तो तुमको भी इन्हीं चीजों का अनुसरण करना अनिवार्य है। और यूं कहिए कि इन चीजों के करने के द्वारा अर्थात नॉट एग्जैक्टली जैसा पांव धोने की को हम रिचुअल के तौर पर ना समझें लेकिन इस हम्बलनेस को अपने दिल के अंदर धारण करने के द्वारा ही तुम मेरे चेले कहलाते हो। इनको अगर अगर इस चीज को अलग शब्दों में थोड़ा सा बयान करना चाहे तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है। और आज का जो हमारा थीम है मेरे अजीजों ये बताता है कि जीसस गिव्स हिज डिसिपल अ न्यू कमांडमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स द लॉर्ड्स सपर। यहां पे अजीजों जो आज इस चीज के बारे में हमारा थीम जो हमारे को बताता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नई वाचा बांधते हैं और लॉर्ड्स सपर का को जो है इंस्टीट्यूट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे मेरे चीजों की ये नई वाचा जो परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ बांधी खुदावंद यीशु मसीह ने बांधी वो क्या है और किन चीजों के बारे में हमें समझाती है और किस प्रकार से ये चीजें हमारे जीवन के साथ और हमारे हमारे जीवन के हर पहलू के साथ रिलेवेंट तरीके से जो है ताल्लुक रखती हैं और इसका समझना हमें कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन चीजों के ऊपर मनन करेंगे मेरे चीजों। जब हम देखते हैं चीजों की यीशु मसीह ने एक बड़ा ही खूबसूरत जो है एक एग्जाम्पल उनके सामने सेट किया कि वो प्रभु होकर के अपने कलाम में जैसे हमने पढ़ा है कि अपने ऊपर के कपड़े उतार लेते हैं और अपने कमर को बांधते हैं और उसके बाद अपने चेलों के पांव धोते हैं और साथ ही साथ पांव धो देने के बाद वो एक चीज और बोलते हैं कि यदि मैं गुरु होकर के प्रभु होकर के यदि मैं ये काम कर रहा हूं तो तुमको भी ये काम करना चाहिए। राइट। अब जब हम बात करते हैं मेरे यीशु मसीह के जीवन की उनके पूरे जीवन को यदि हम देखते हैं तो उनका पूरा जीवन जो है किस प्रकार की बातों के ऊपर आधारित रहा है आज हमें वो समझना पड़ेगा। उनके पूरे जीवन के अंदर आप एक चीज पाएंगे कि उनका जीवन पूरी तरह से सर्वेंटहुड के ऊपर डिपेंडेंट था। राइट, मतलब आधारित था, आश्रित था। दूसरी चीज सर्वेंटहुड के ऊपर और तीसरी चीज प्रेम दया और अनुग्रह के ऊपर था मेरे चीजों। और ये सब चीजें जो है मेरे चीजों ये सिर्फ उन्होंने शब्दों में बोली नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं कहा कि प्रेम करो, उन्होंने करके दिखाया। हमने योना के इंजील में पढ़ा है कि जब उसको पता लग गया कि उसका पिता के पास जाने का समय आ गया है तो वो अपने चेलों से और लोगों से जिस प्रकार का प्रेम करता था वो वैसा ही प्रेम अंत तक करता रहा। सिचुएशनल लव नहीं कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह, या ऐसा नहीं था कि मेरे सामने ये घड़ी आकर खड़ी हो गई, ये परिस्थिति आके खड़ी हो गई है तो अब मेरा प्रेम तुम्हारे धीमा पड़ गया है, ऐसा नहीं था। कलाम बोलता कि वो अंत तक करता रहा। तो इन चीजों को हम खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में बड़ी बड़ी भांति देखते हैं। और आज का जो हमें थीम बताता है मेरे चीजों की खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा उनके साथ एक नई वाचा उनके साथ बांधी थी तो उन वाचा के ऊपर आज हमारे को मनन करना अनिवार्य हो जाता है कि वो वाचा है क्या और किन बातों के ऊपर आधारित है, किन चीजों के ऊपर वो आश्रित है। राइट, तो खुदावंद के कलाम में से हम देखने की कोशिश करेंगे उन तीन महत्वपूर्ण बातों को जो खुदावंद की वाचा जो उसने अपने लोगों के लिए ठहराई है। पहली चीज की तरफ मेरे चीजों जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहली चीज जो वाचा वो अपने चेलों के साथ बांधता है जिस चीज का जो है खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, खुदावंद के पीछे चलने वाले लोगों के अंदर हो, वो पहली चीज जो हमें देखनी है तो उसके लिए हमारे को निकालना पड़ेगा मेरे चीजों मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 8वीं 28वीं आयत। मत्ती 20 अध्याय